अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं आजाद। कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया सराला में केसीआर सेवा दलम चंद्रायन गुट्टा इंचार्ज जनाब अहमद बवाजिर साहब और केसीआर सेवा दलम टीम की जानिब से और आरटीआई कमिश्नर जनाब मोहम्मद अमीर साहब के हाथों 400 रेशन किट्स गरीब अवाम में तकसीम किए गए। इस मौके पर कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर वर्कर्स डिवीजन श्रीमती सरिता मैडम और टीआरएस सीनियर लीडर जनाब साई तेजा साहब और याकूतपुरा प्रेसिडेंट जनाब शिवा यादव साहब, चंद्रायन गुट्टा सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज खान साहब, चंद्रायन गुट्टा यूथ प्रेसिडेंट जनाब उमरान यमानी साहब, बेटी रक्षा दल तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद गौस साहब भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जनाब वजाहत की ये रिपोर्ट। ओके भाई, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर केसीआर सेवा दलम से इंचार्ज चंद्रायन गुट्टा हमारे सैयद बवाजिर भाई और जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज भाई और यूथ प्रेसिडेंट उमरान इमानी भाई के जानिब से और धूरी नगर के शाहनवाज भाई और तमाम शामिर भाई और शानूर भाई और तमाम केसीआर सेवा दलम के नौजवानों और तमाम लोग जो कईयों सालों से केसीआर सेवा दलम में ज्वाइन होकर लोगों को खिदमत अंजाम देते हुए कई काम करते हुए आए और ऐसे मुश्किल हालात में जिस तरह ऐसे कोरोना का हालात और हर जगह घरों में भूखों का लोगों के लिए तड़पना ज़्यादा हो गया, एक जगह बीमारी से लोग तड़प रहे हैं, एक जगह भूख से लोग तड़प रहे हैं, तो केसीआर सेवा दलम हमेशा आगे रहा। आज भी हमारे सैयद बवाजिर के तारीफ से पूरे केसीआर सेवा दलम के जितने भी दल हैं वो पूरे आगे बढ़कर सही एक टाइम पे ऐसे मुश्किल हालात में जो आगे बढ़ के आए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तकरीबन 200 फैमिलीज में आज राशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट करना और इनके अंदर हमारे वर्कर्स से ताल्लुक और चंद्रायन गुट्टा से टीआरएस कंटेस्टेड सरिता जी यहाँ पे मौजूद रहना और चीफ गेस्ट के तौर पर केसीआर सेवा दलम के हमारे सीनियर हल्के दर्जी आमिर साहब जो तेलंगाना के एजुकेशन में हमेशा आगे रहे और आज माइनॉरिटी को पहला अहदा देते हुए सैयद साहब ने उनको आरटीआई के कमिश्नर बना के एक अच्छे अहदे में रखा और इस तरह हर दिन केसीआर सेवा दलम कदम कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना और खिदमत को अंजाम देते आ रहा। तो आज अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन पूरे मिलके कुछ तो कर सकते। तो आज ये केसीआर सेवा दलम इस पार्कस के अंदर आज से नहीं कईयों सालों से इस तरह के खिदमत अंजाम देते हुए आए और मैं शुक्रिया अदा दिल तह से मीडिया का, तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को पिछले 4 साल से सेवा दलम को साथ देते हुए आ रहे और उसी के साथ साथ केसीआर सेवा दलम से जो जब से लेके आज तक जो झंडा को मजबूत करते हुए आए, खिदमत अंजाम देते हुए आए, लोगों के मसाइलों के ऊपर आवाज़ उठाकर उन मसाइलों को हल करने में कोशिश करते हुए आए और ऐसे हालातों में 200 फैमिलीज़ में रेशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर उनके हिम्मत अफजाने की कोशिश केसीआर सेवा दलम करना और मैं दिल तहस से हमारे सैयद बवाजिर भाई को, अहमद भाई को और शाहनवाज भाई को और तमाम केसीआर सेवा दलम टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और चन्नेगरी सरिता जी भी यहाँ से भारत से कंटेस्टेड किए हुए हैं कॉरपोरेटर और उन्होंने भी बड़े पैमाने पे सेकंड लीड पे इस आए हुए हैं। ये बारकस के लोगों का और केसीआर सेवा दलम जो आगे रहकर जो लोगों के साथ थी उसका ही नतीजा सेकंड लीड था। इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत के अंजाम चाहे अल्लाह इलेक्शन जिताने दो नहीं जिताने दो, जीत हार की मसला नहीं है, लीडर जो है पब्लिक में मुश्किल हालात में जो साथ देता वही सच्चा दिल का लीडर कहा जाता और हमें फ़ख्र से हम ये बात कह सकते हैं कि केसीआर सेवा दलम अभी ही नहीं कभी भी लोगों को तकलीफ है तो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं इलेक्शन जीते तो लीडर बनते, अगर सच्चे दिल है तो तकलीफ़ में साथ देने वाला लीडर है। मैं मानता हूँ कि जितने भी अपना दिल बढ़ाकर कार आज हर दिन खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे केसीआर सेवा दलम को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।